आज वृंदावन का पहला दिन है हमारा, तो आज ही के दिन आए हैं। थोड़ा रेस्ट किया तो फिर मन नहीं हो रहा था कि रूम पे रहे, तो फिर हमने कहा कि चलो यार चलते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो मैंने आज पहना है साड़ी, और मैंने वृंदावन में कभी साड़ी नहीं पहना है, वैसे वृंदावन से बाहर पहना है, यहाँ नहीं पहना है। चलो यहाँ पे एक बार साड़ी पहन लिया, अच्छा लग रहा है। और अभी हम आए हैं राधा रमण में, तो हम लोग ना बाकी बिहारी जाने वाले थे लेकिन बहुत भीड़ थी तो इसलिए हम वहाँ गए नहीं, और यहाँ पर राधा रमण में आए हैं। तो काफ़ी लेट हो गया था, मुझे लग रहा है कि बंद हो गया होगा शायद। तो यहाँ के लोगों से पता चला कि ठाकुर जी का अभी भोग लग रहा है। और देखो यहाँ पे छोटे छोटे शॉप में ना सुंदर सुंदर ठाकुर जी विराजमान हैं, और काफ़ी सुंदर सुंदर पोशाक में विराजमान कर रहे हैं। लेकिन ना हमारे घर में सारे ठाकुर जी हैं, तो इसलिए मैं इस बार कुछ भी लेके नहीं जाऊँगी। लेकिन मैं नेक्स्ट बार आऊँगी तो वृंदावन आऊँगी तो एक छोटी सी एक लल्ली लेके जाऊँगी, बट इस बार नहीं, क्योंकि ना माधव थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो फिर लेके जाऊँगी। और ये रहा राधा रमण जी का गेट, तो यहाँ से देखो बहुत सुंदर लग रहा है। और मैंने जितनी बार भी देखा है ना ये वाला पोस्टर जो है ना रील में देखा है, तो आज हमने अपने आँखों से भी देख लिया है, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। और मैं कि जब भी मैं वृंदावन आऊँ तो बाँके बिहारी राधा रमण एंड राधा वल्लभ जी का दर्शन करूँ। और चलो अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि अब मुझे रहा नहीं जा रहा है। मुझे पता है कि ना ठाकुर जी का भी भोग लग रहा है और पर्दे में है, तो कोई ना हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे ठाकुर जी के वहाँ पे। तो यहाँ देखो ठाकुर जी अभी भोग लगा रहे हैं, और अभी जस्ट अभी खुला है। और ये रहे हमारे ठाकुर जी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अभी हम आ गए हैं घर, और अभी के लिए बाय बाय।